यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट आए दोस्तों सीधे चैनल के माध्यम से आपको पहुँचती रहे। ऐसे में कहेंगे कि आप देख सकते दोस्तों बिहार न्यूज़ बिहार पर ये खबर जो है छपी हुई है और एक सकारात्मक खबर जो है वो उभर के आ रही है बिहार के शिक्षकों के लिए। जिस प्रकार से बिहार के शिक्षक एक लंबे अरसे से इस तैयारी में जुटे हुए थे, कब तक उनकी नियुक्ति हो पाएगी, तो अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री देख सकते हैं श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे व सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरी कर ली जाएगी। आप देख सकते हैं कहा गया है कि इसी महीने जो है वो बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए एक राहत और बड़ी खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे व सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इसी माह तक पूरी कर ली जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वाले शिक्षकों का आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। कब तक होगी छठे व सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली व कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं कि आगे अब क्या कुछ अपडेट है इससे संबंधित, तो चलेंगे बैक और देखेंगे क्या कुछ खबर आई हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं ये खबर जो है वो यहीं पे छपी हुई है, तो इसी की ओर मैं आपको ले सकता हूँ, ले चलता हूँ, जो कि पटना से आ रही है। तो देख सकते दोस्तों लिखा हुआ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे व सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी, यानी कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने पूरी करने की बात कही जा रही है। मंत्री जी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वाले शिक्षकों का आंकड़ा विभाग के पास नहीं पहुंचा है। कब तक होगी छठे व सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली व कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई, पूरी जानकारी के लिए इस खबर को पढ़ें। हमारे संवाददाता ने बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अनौपचारिक रूप से बात की। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार में कोरोना की वजह से तो शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की मौत तो हुई है, लेकिन हम इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। इसमें इस हमने आंकड़े के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों की जो है वो मौत हुई है। तो ये देखिए उन्होंने कहा, और आगे उन्होंने कहा है कि सातवें चरण के लिए भी देखिए, जब इनके संवाददाता ने इनसे पूछा कि भाई कब तक नियुक्ति हो पाएगी, तो इन्होंने क्या कुछ कहा देखिए, लिखा है बिहार छठे चरण की बहाली व सातवें चरण की बहाली के विषय में पूछे जाने पर मंत्री जी ने कैमरा के सामने सोशल मीडिया में बहुत से अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, देखिए उन्होंने कैमरे के सामने क्या कहा है कि मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आगे देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं यहां से आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या कुछ कहा है इन्होंने। देखिए लिखा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे व सातवें चरण की शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरी कर ली जाएगी। तो देख सकते हैं कि इस महीने कहा गया है कि विजय कुमार चौधरी ने एक औपचारिक घोषणा की और कहा है कि इस महीने जो है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट है और बिहार से निकल के आ रही है और मंत्री जी ने कैमरे के सामने देखिए कहा है कि इसी महीने जो है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, इसी माह कहा है। तो देखना यह होगा बिहार में छठे चरण की सातवें चरण की बहाली के विषय पूछ जाने पर मंत्री जी बिना कैमरा के कहा कि सोशल मीडिया में बहुत से अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि आप धैर्य बनाकर रखें, बहुत जल्द उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, इसके बाद शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप लोग ने देखा कि दो दिन पहले सरकार ने उच्च न्यायालय पटना में शिक्षक नियोजन से संबंधित केस को मेंशन कराया है, देखिए केस मेंशन भी हो चुका है, ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द उच्च न्यायालय पटना के फैसले आ सके। देख सकते कहा है कि भाई इसी माह वो चाहते हैं कि भाई जो शिक्षक
नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाए, और कहा है कि भाई आप धैर्य बना के रखिए। तो शिक्षा मंत्री कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल फॉर्म में है, और शिक्षा मंत्री ने अभी 2 दिन पहले केस को मेंशनिंग भी कराया, और आज ये इतनी अच्छी खबर आना कि भाई वो नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कराना चाहते हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाई शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है ये। देखिए लिखा है फैसला आए और हम लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करा देंगे। इन्होंने केस को मेंशनिंग करा दी है, 94 शिक्षक बहाली में जो केस था उसे मेंशनिंग करा दिया गया है, और अब कहीं ना कहीं आगे हमें नियुक्ति का इंतज़ार करना होगा, और जल्द से जल्द जो है वो बिहार में अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। तो देखिए विभाग के अधिकारी देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री चौधरी ने अनौपचारिक बात में कहा कि हमने अपने स्तर से शिक्षकों प्रोफेसर्स की मौतों का आंकड़ा भी जुटा लिया है। देख सकते हैं कि साफ तौर पर देखिए यहाँ पे लिखा है, अब मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों। 21 जून तक कहा गया है कि भाई जो नियुक्ति है वो पूर्ण कर ली जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। सरकार खुद आप लोगों से ज़्यादा इस विषय में चिंतित है, हमें लगता है कि जून 2021 तक छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तथा 2021 से सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों वो टाइम भी दिया गया है, सरकार खुद आप लोगों से ज़्यादा इस विषय में चिंतित है, हमें लगता है कि जून 2021 तक छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, कहा गया है कि जून 2021 तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और लिखा 2021 में सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इसी साल का है, और अक्टूबर 2021 तक सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। बिहार में कोरोना से लगातार शिक्षक के तरह की कर्मियों की मौत हो रही है, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार शिक्षकों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है, और इसके बाद भी दूसरी लहर में अब तक कितनी मौत हुई है इस पर इसका आंकड़ा विभाग के पास नहीं है। वहीं इस मामले में पर विभाग ने आला अधिकारी से कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री चौधरी ने अनौपचारिक बात में कहा कि हमने अपने स्तर से शिक्षकों प्रोफेसर की मौत का आंकड़ा जुटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो कहा जा रहा है कि भाई जून तक जो है वो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही जा रही है। देखना है कि भाई कितनी हकीकत है इस दावे में और क्या सच में ये प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। तमाम बातें जो है आप सामने उभर के आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है शिक्षा मंत्री का एक बड़ा, देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कोरोना से लगातार शिक्षकों की मौतें हुई है, टीचिंग स्टाफ की मौत हो रही है, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है, इसके बाद भी दूसरी लहर में अब तक कितनी मौत हुई इसका आंकड़ा विभाग के पास अभी नहीं है। वहीं इस मामले पर विभाग ने आला अधिकारी कुछ भी बोलने पर परहेज कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने औपचारिक बात में कहा कि हमने अपने स्तर से शिक्षकों प्रोफेसर की मौत का आंकड़ा जुटाने की जो कोशिश की है। जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के कारण अब तक 600 शिक्षकों की स्कूल्स में से दूसरे कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। देख सकते हैं कि 600 ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, 600 शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों की कहा गया है कि कोरोना की वजह से इन लोगों की जो है दोस्तों वो मौत हो चुकी है। तो एक बहुत ही दुखद बात है, इस कोरोना ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचाया है, ठीक है। और अब हम देखिए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग आगे बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए आगे लिखा है उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी ये खबर आई है कि उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक रेखा कुमारी ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विश्वविद्यालय में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा जुटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पटना में 2 परंपरागत सरकारी विश्वविद्यालय पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को भी कोरोना के कारण अपने प्रोफेसर्स को खोना पड़ा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के DN प्रोफेसर डॉक्टर AK नाग के अनुसार अब तक कार्यरत 5 और रिटायर्ड शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई है। ये आंकड़ा 15 अप्रैल से लेके 19 मई तक का है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में भी अपने शिक्षकों कोरोना की वजह से गंवाना पड़ा है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजनीश कुमार, देख सकते हैं कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कई सारे शिक्षक ऐसे हैं, ये केवल दोस्तों माध्यमिक और प्राथमिक की बात नहीं है, जबकि ये प्रोफेसर्स जो हैं इन लोगों ने भी जो अपनी जानें जो हैं वो गंवाई है,
इसके अलावा देखिए 2 अतिथि शिक्षकों ने भी कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में साफ है कि सरकार भले ही शिक्षकों की मौत के आंकड़ों को छुपाए, लेकिन राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में शिक्षकों की 600 शिक्षकों की जो है दोस्तों इसमें मृत्यु हुई है। तो बहुत ही दुखद बात है और कह सकते हैं कि भाई इस घड़ी में जो है सभी को धैर्य बना के रखना है। और शिक्षा मंत्री ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अब कहीं ना कहीं नियुक्ति जो है वो होकर रहेगी और एक समय सीमा भी बता दी गई है कि भाई इतने समय में जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो जैसा कि एक समय जो बताया है उन्होंने कि भाई जून तक कहा गया है कि भाई, और अक्टूबर में कहा है कि सातवें चरण की नियुक्ति पूरी हो जाएगी। दोनों के लिए ये खबर काफ़ी खुशी भरी है और अभ्यर्थियों में इसे लेकर खुशी की लहर भी है। तो अच्छी खबर है, पल पल की खबर को दोस्तों आप बने रहिएगा और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द आपको अपनी खबर पहुँचाते रहें, ठीक है। और जो भी अपडेट आएगी वो हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में देखिए मैं आप यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा जूम करके कि देख सकते हैं जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उसका मामला भी सामने आया है और फर्जी अभ्यर्थियों पे भी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए लिखा है फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त 111 शिक्षकों पर दर्ज की गई है प्राथमिकी, आप देख सकते हैं दोस्तों। और नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच में अब तक जिले में 1111 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था, इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। इस सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सदर प्रखंड में 743 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है, देख सकते हैं दोस्तों, पर इसमें 614 प्रमाण पत्र अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब तक सर्वाधिक शिक्षकों की प्राथमिकी देख सकते हैं बहादुरपुर प्रखंड में हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों इतने लोग जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं, तो इतनी सीटें फिर से खाली होंगी। बहादुरपुर में सर्वाधिक 60 शिक्षक जद में हैं, किरतपुर में 153 व सिंहवाड़ा में 135 शिक्षक शामिल हैं। सदर नगर व अली नगर प्रखंड से एक भी फाइल फोल्डर निगरानी में जमा नहीं है। 91 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिले के शेष प्रखंड हायाघाट में दे सकते हैं और सॉरी दोस्तों, तो ये है एक आंकड़ा और काफ़ी चौंकाने वाला है। इस आंकड़े को ज़रा ध्यान से देखिए, इतने शिक्षक जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं। अब इनमें क्या होगा कि इतनी जो सीटें दोस्तों वो खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों बने रहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। हमें दीजिए याद। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।